Hello, hello. Hello. You are in my vlog, Mataji. I miss you so much. Okay, very good. Love you, mom. Miss you too. Aye, main kithar lagge ne yaar, wait kar so. Sona. Theek hai. Okay. Hun main chala ghumn, aake karda gal, okay? Theek hai. Okay, bye. Love you, mom. Happy love you, Gosh. Haan, okay, okay. Okay. Okay, bye. Okay, bye. अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने पिछले दो व्लॉग देखे होंगे. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उन्हें मिस मत करना, आपको पूरी जर्नी नहीं समझ आएगी. और प्लीज देख लेना और बताना मुझे वो व्लॉग भी आपको कैसे लगे. Hey guys, what's up? How are you all doing? And good morning to all of you. I just woke up, मुझे नींद इतनी आई हुई है ना मैं आपको बता नहीं सकता. अभी 10 बजे हैं सुबह के और मेरा दिल कर रहा है मैं और सो जाऊं. मुझे आज स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाना था बट यहाँ से वो 5-6 घंटे दूर है और आई गेस 230 किलोमीटर, सो मैं जा नहीं पाया वहाँ. कल सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है, बॉम्बे की है, देन बॉम्बे के बाद अगेन अमृतसर की है और कल मैं घर पहुँच जाऊँगा. आई एम मिसिंग होम वेरी मच, मैं आपको बता नहीं सकता घर की मुझे कितनी याद आ रही है. और अहमदाबाद बहुत अच्छा शहर है, मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ बट स्टिल बहुत अच्छा है. कल रात को भी मैं जब रूम में आ गया था तो आई स्लेप्ट, बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, थोड़ी सी एडिटिंग की और फिर मैं सो गया. और इट्स यू नो गाइस, मैं बहुत बड़ा सुस्ती खोर हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, तो मुझे होता है कि मुझे सोने दो बट क्या करें, अब नींद ही प्यारी बहुत है. एंड मैं अभी शावर लूँगा, मैंने अभी शावर नहीं लिया, मैं बस उठा ही हूँ. ओह माय गॉश, हाँ नाइस. गुड मॉर्निंग अहमदाबाद. सो अब मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद तैयार होऊंगा, फिर जाऊंगा बाहर. एंड आई रियली वांटेड टू गो टू सी स्टैचू ऑफ यूनिटी बट नहीं जा पाऊंगा. चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बैग पैक करके सोया था रात को बिकॉज मेरा खलारा बहुत था एंड ये अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं. सो मैं आज इसको समेट लूँगा क्योंकि सुबह सुबह मेरी जब फ़्लाइट है तो मुझे सुबह सुबह याद नहीं रहेगा मैंने क्या उठाया क्या नहीं उठाया. अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, बाकी की बातचीत बाद में करता हूँ. रेडी और मुझे अब करनी है पैकिंग, ये सारा खलेरा पड़ा हुआ है बिकॉज मैं अभी जा रहा हूँ बाहर और कल सुबह सुबह मेरी फ़्लाइट है अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को आऊँगा मैं होटल में क्योंकि मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ. अहमदाबाद का कोई स्पेशल कोई फाफड़ा टाइप कुछ होता है वो भी खाना है मुझे. सो ये मैं अभी सारी पैकिंग कर लूँगा ताकि रात को आऊँ तो बस सोऊँ, थोड़ी सी रेस्ट करूँ और सुबह सुबह बस इदा ही फ्लाइट पर चढ़ जाऊँ. बस गैजेट्स वाला बैग मैं अभी पैक कर लूँगा, वो मतलब थोड़ा सा खुला रहेगा, गैजेट्स वाला बैग खुला रहेगा, पर ये सारा बैग मैं ये सारा खलेरा अभी के अभी सारा करूँगा पैक बिकॉज मेरे क्लोथ्स काफ़ी होते हैं तो मेरे वो कुछ रह ना जाए. और पैकिंग करके फिर मैं जाऊँगा लंच करने, मैंने लंच नहीं किया. गाइस मैंने सारी पैकिंग कर ली है, कमरा लगभग साफ साफ लग रहा है और अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, तैयार भी हो गया हूँ. भूख अब ज़्यादा लग गई है क्योंकि पैकिंग करके मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हुई है. ये मैंने हुडी बाहर रख ली है क्योंकि रात को वाइल्ड ट्रैवलिंग मैं कपड़े चेंज करूँगा तो ये हुडी पहनूंगा और अपने स्लीपर्स पहनूंगा. एंड ये बैग पूरा पैक हो चुका है, ये मैं अभी घूमने जाऊँगा तो अपने साथ ही ले जाऊँगा. बाकी आप देख सकते हैं खलारा सारा ख़त्म हो गया है. अब मैं जा रहा हूँ नीचे, फिर मैंने जाना अपने फ्रेंड के फ्लैट पर और वहाँ से उसको साथ लेके फिर मैं जाऊंगा कुछ खाने.
केक पिया था वो था बनाना चोको और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आज मैं क्वेंटस से पीने आया था एंड ही सेड इसको क्वेंटस नहीं पसंद। हाउ लाइक कैसे किसी को क्वेंटस पसंद नहीं हो सकता? अगर तुम स्टारबक्स की कॉफ़ी कहती तो मैं उसके एग्री नहीं करता क्योंकि उनकी स्टारबक्स की कॉफ़ी टट्टी होती है। नहीं, वो कल वाला पी के देख लिया मैंने, कुछ बेटर नहीं है, कुछ बेटर नहीं है उसमें। और मैंने गाइस यहाँ से वो गुजराती सामान लिया है, फेफड़े टाइप ऑल दैट स्टफ घर के लिए, मम्मी के लिए। इसकी इसने था क्या, पापड़ थे क्या? फाफड़े, हमारे यहाँ पंजाब में फाफड़े नहीं फेफड़े कहेंगे। अच्छा मेरा दे दो शेक, मैं पीता ही जाऊँगा। और आज भी कहीं ना घूमने का और लेट व्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न है। नीचे से कहाँ जा रही हो मोहतरमा, इधर आइए ना आप। ये कल भी यही थे, आज भी यही हैं, क्योंकि ये हमें अपने घर खातिरदारी के लिए बुला लेते हैं और फिर खिलाते भी कुछ नहीं है और कहीं घुमाते भी नहीं है। और हमने जो स्टैचू देखना था हमने घर पे टीवी पे लगा के देख लिया, बहुत अच्छा था। कहाँ दिखाया कहाँ दिखाया तुमने स्टैचू? खाबों में, सपनों में, रात को तो देखा ही होगा। राइट नाउ हम आए हुए वो चाइनीज के फ्लैट पे, तो उसको अभी रेडी होना है। और ये उसका किचन है, वो काफ़ी ज़्यादा सफाई पसंद है, आप देख सकते हैं। अभी बाहर बहुत सफाई है, वहाँ अंधेरा, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था, बहुत ज़्यादा है ना। आपके घर पे इतनी सफाई नहीं है, आंटी सब साफ करती हैं और ये अच्छे से साफ हुआ हुआ है। डोना, व्हाट हैपेंड, कैन आई कम इन? डोना हाय हाय, टिंग टिंग टिंग, रिश्ते भी आगे रिश्तों के हैं रूप बदलते हैं। हमने मैंने सुना है, अरे इसको कौन सा गाना आता है पंजाब का, दारू बदनाम, दारू बदनाम सुना है प्लीज? ओके प्लीज एक बार सुना। मैं ऐसे नहीं गाती। तो कैसे गाती हो, यहाँ दरबार बिठाऊं क्या पहले? ओके सुनाओ ना प्लीज। यार नहीं सुनाओ, मुझे टॉयलेट आ रही है। दोनों सुना प्लीज, मेरी खाती दोनों प्लीज, दोनों गाना सुना दे यार प्लीज। क्या पता तुझे बड़े बड़े ऑफर आ जाए। डोना प्लीज सुना ना, दारू बदनाम सुना सुना यार, तो गाना सुना पहले प्लीज, दारू बदनाम। चल चार लाइनें, दैट्स इट, सुना दारू बदनाम कर दे आगे। बस आता है वही तो टाइम ना वाला, वही बार कौन सा वाला, तारा रा रा वो दारू बदनाम कर दी इतने जाता रहता ऐसा। दो दिन से अहमदाबाद में ठंड नहीं थी और आज मैंने वापस जाना है तो अहमदाबाद में बहुत ठंड है। आप इसकी मोटी सी शॉल से हिसाब लगा सकते हो कि ठंड कितनी बढ़ चुकी है, मोटी सी शॉल। और डोना जी इज बिजी ऑन हर फोन एंड क्या बोल गई, मोती ओके। एंड मिंटू ने जो हुड पहनी हुई है ये हुड इनकी नहीं है, ये इन्होंने कहीं किसी से मतलब उधार पे लिया आज के दिन के लिए। नहीं नहीं नहीं, भीख मांगी है। भीख मांगी है ब्रो, तुम मेरी कैटेगरी में से आते हो, मैंने भी भीख मांग के ली हुई है ये वाली। और हमने डिनर कर लिया, अब हम कॉफ़ी भी नहीं आए हैं क्योंकि ठंड गजब की हो रखी है यहाँ पे। और मतलब मेरे जाने के बाद ही क्यों होनी थी, मैं इतनी स्वेटशर्ट्स लेके आया था, मुझे सिर्फ एक पहनने का मौका मिला। सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है, फ्लाइट में मैं पहन सकता हूँ ना तीसरी वाली हुडी, स्वेटशर्ट नहीं हुडी भी मैं नहीं लेके आया हूँ, गरीब है ना तो मांगी बहुत है। गरीब है ना, देख गरीब बहुत, ऐसे गरीब क्यों होते हैं? नहीं होते हैं मेरे जैसे गरीब, देखो क्या पहना है, अंबानी अमीर है बाकी सब गरीब है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसकी शादी में अरे डोना तुझे बुलाया उसके साथ कैसे डोना डोंट गिव अ फक। ओ आर्मी वाले के साथ बिजी है क्या है? नो फक्स गिवन। एक मिनट ओके बाय डोना, जेट आप हो गए बाय, फिर अगली बार मिलूंगा जब कभी आऊंगा। ओके बाय क्या ओके बाय टुकु टुकु बाय, फिर मिलेंगे कभी जिंदगी में जब कभी हम आए तुम्हारे शहर। हम तो आ ही रहे। हाँ आप आओ पर हमें, हम आपको पंजाब घुमाएंगे पर आपने हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं दिखाया, वादे से मुकरे। लोग कहते हैं कि क्या पता आगे के लिए कुछ अच्छा लिखा हो जो काम मिल जाए। गाइस
Follow me on Instagram, Manisha_Brahma_. You'll just fucking like it. कर लो भाई फॉलो कर लो. आज लड़की ने बता दिया पिछले व्लॉग में, मैंने इसका यूजर नेम नहीं बताया था, आज इसने खुद बता दिया. ओके बाय बाय बाय. क्या गाइस, आई हैव जस्ट रीच्ड माय होटल एंड अभी बज चुका है रात का 1 और सुबह 3:30 बजे की मेरी फ्लाइट है यहाँ से बॉम्बे की. एंड बॉम्बे मुझे थोड़ा सा रुकना है 2-3 घंटों के लिए और फिर मेरी वहाँ से फ्लाइट है अमृतसर के लिए और मैं घर पहुंचूंगा 2-3 बजे अपने घर बटाला. तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूं. आगे दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं है. एयरपोर्ट पे क्या दिखाऊंगा आपने पहले व्लॉग में देख लिया है. और टू बी ऑनेस्ट अगर सच बोलूं तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत ये एक्सप्लोर कर सकूं. मैं बहुत थक गया हूं. 2 दिन मैं काफ़ी ट्रैवल किया है आपके लिए. 2 व्लॉग्स पिछले जो आपने देखे हैं वो बहुत अच्छे बने हैं. और अहमदाबाद इज़ अ वेरी गुड सिटी. मुझे बहुत अच्छा लगा अहमदाबाद आके. और यू नो गाइज, मैं ज़िंदगी में एक चीज़ सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टन थिंग्स. यू नो, हम कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाता है, हम कुछ और प्लान करते हैं और कुछ और हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत हो गया है, ऐसा क्यों हुआ. बट भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होता है हमारे लिए, वो तभी वही चीज़ करता है. पर हमें वो चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं होती, हम सोचते हैं कि भगवान ने बुरा किया. बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ज़िंदगी में आगे जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि जो भगवान ने पहले मुझे लगता था नहीं अच्छा किया, अब वो अच्छा किया है. और वो चीज़ें क्या हैं फिर कभी आपसे व्लॉग में शेयर करूँगा. बट इतना कहना चाहूँगा कि नेवर क्विट. आप कभी क्विट मत करो. आप जो कर रहे हो बस कर ही जाओ. दुनिया की परवाह मत करो, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं. डू वट यू लव एंड लव वट यू डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना सुख देखना है, किसी और का नहीं. अपने मॉम डैड के बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं. दुनिया जाए भाड़ में यार, आपको अपना काम करना आना चाहिए. दैट्स इट. आज मैं व्लॉगिंग करते मेरा आई गेस मेरा व्लॉग होगा 104 और 104 व्लॉग बनाने के की जर्नी है जो मैं उसमें ये चीज़ सीख गया हूँ कि लोगों को कैसे इग्नोर करना है और पॉजिटिव वाइब्स कैसे लेनी है, नेगेटिव वाइब्स कैसे छोड़नी है, नेगेटिव वाइब्स को कैसे पास नहीं आने देना. अभी भी मैं ज़्यादा नहीं सीखा हूँ बट स्टिल सीख रहा हूँ और इतना सीख गया हूँ कि आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे. ये ब्लॉग वो भी लोग देख रहे होंगे जो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, बट आई डोंट गिव अ डैम शिट मैन. क्यों क्यों मैं उनके बारे में सोचूं. सो जो तो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको मेरी सलूट है, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते भाई ऐसे ही देखते जाओ. आपका देखना हमारे लिए बहुत अच्छा है. मेरे दिल में किसी के लिए हेट नहीं है, किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है. मैं सबको प्यार करता हूँ, सभी मेरे अपने हो, मैं आपका अपना हूँ. और आपको ये बात बोलूँगा, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे. मेरी लाइफ में जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैंने 21 साल की उम्र में जितना कुछ देख लिया है, आई डोंट थिंक कि 21 साल की उम्र में कोई बच्चा इतने अप्स एंड डाउन्स देखता है. बट मैंने जितने देखे हैं, अगर मैं सोशल मीडिया पर उसको एक्सप्रेस करने पे आऊँ तो आप लोग सोचोगे कि ये सिंपथी गेन कर रहा है, तो मैं ये चीज़ नहीं करता. मैं प्रे करता हूँ भगवान किसी को भी ना दिखाए, किसी एज में भी ना दिखाए. आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइस, प्लीज डोंट क्विट. प्लीज डू वट एवर यू आर डूइंग एंड कीप डूइंग. हार्ड वर्क पेज ऑफ, हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ. एंड अब मुझे दो इजाज़त है. ये ज्ञान बहुत हो गया, कईयों के लिए अच्छा होगा, कई कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा है, बट बटाले वाला था इतना ही करूँ. सो जिनको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इसमें आपको ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स ही मिलेंगे और लास्ट में ये ज्ञान मिलेगा अगर कोई यहाँ तक देखेगा तो. और जिनको ये व्लॉग पसंद आया होगा लाइक शेयर कमेंट कर देना, जिनको पसंद नहीं आया भाई डिसलाइक कर देना, ऐसे बटन बना होगा कर देना बिना कुछ सोचे समझे. और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने घर वालों के साथ शेयर करना, उनको भी सब्सक्राइब करवाना और वो बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ. बाकी आई लव यू सो मच गाइज, आप इतनी सपोर्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड मैं वन प्लस के इवेंट के लिए आया था, बहुत अच्छा इवेंट रहा. मैं अहमदाबाद में, मुझे 1 दिन का काम था जो कल नहीं हुआ आज हुआ. और एट एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, आई लव माई लाइफ जैसी भी है, मुझे मेरी ज़िंदगी पसंद है. और मैं चाहता हूँ आप भी यही पॉजिटिव वाइब के साथ हमेशा अपने आप को रोज़ कहो सुबह उठ के, ऑल इज़ वेल एंड लाइफ इज़ गुड. I love you guys. Take care. Peace.